हरियाणा के जिला करनाल के बिजली विभाग कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर नीति का विरोध किए जाने का मामला सामने आया है। बता दें कि ट्रांसफर नीति के विरोध में बिजली विभाग के मुख्य कार्यालय के सामने कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता चक्रवर्ती शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जो नई ट्रांसफर नीति बनाई गई है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कर्मचारी नीलोखेड़ी, तरावड़ी या अन्य स्थानों पर जाकर कार्य करेगा उसको लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। इससे कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका रहेगी, जिसके चलते कर्मचारी अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इसलिए कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि बिजली विभाग में जो ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू की गई है उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। अगर सरकार तुरंत प्रभाव से इनको समाप्त नहीं करती है तो आगे और संघर्ष जारी रहेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि बिजली विभाग में नई ऑनलाइन ट्रांसफर नीति लागू की गई है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है। इसके अलावा कर्मचारियों द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर भी रोष जताया गया। सरकार ने इन्होंने लिया है ऑनलाइन पॉलिसी का, रोडवेज में लिया और टीचरों में लिया उन्होंने, उनका महकमा और बिजली बोर्ड का महकमा बिल्कुल अलग है। हमारा काम करने का तरीका, हमारे कर्मचारियों का काम करने का तरीका बिल्कुल भिन्न है। अब जो ये पॉलिसी इन्होंने लागू की है, ये जबरदस्ती लागू की है, जो गलत है। जो हमारी राज्य स्तर की टीम है, हमारे राज्य प्रधान हैं बेनीवाल जी और जो हमारे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मैनेजमेंट से पहले भी कहा था कि ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब जो इन्होंने जेईस की लिस्टें बनाई हैं, लैंडमैन जो LDC और UDC ट्रांसफर किए हैं, इसी विरोध में हम आज यहाँ खड़े होकर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसका बुरे परिणाम आएंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में ये लाइनमैन और LM के करने जा रहे हैं। जो छोटे तबके का कर्मचारी है वो फील्ड में जो काम करता है, लाइनों पे जो काम करता है, एक कर्मचारी यहाँ से जाके त्रावड़ी जाके काम करेगा, उसे त्रावड़ी के लाइनों को नहीं पता होगा, त्रावड़ी वाला नीलोखेड़ी जाएगा, नीलोखेड़ी वाला करनाल आएगा, किसी को कुछ नहीं पता होगा कि क्या काम करना है, क्या काम। उसमें एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगी, हमारे कर्मचारियों को फेटल होंगे, किसी की ब्रंट के चांसेस होंगे, मौत के चांस ज्यादा बनेंगे। हम इसलिए सरकार से रोष प्रदर्शन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो बिजली बोर्ड की ये ऑनलाइन पॉलिसी है, इसे रद्द करें, इसे वापस ले, अन्यथा हमारे जो राज्य के आदेश आएंगे, चाहे हमें कर्मचारी को सड़कों पर आना पड़े, हम सड़क पर आके पुनः विरोध करेंगे। तो आपका कहना ये है कि लाइन मैन को उससे ज्यादा नुकसान होने वाला है? सभी को जो लाइन पे काम करेंगे फेटल एक्सीडेंट होंगे, करंट लगेगा, जिसको लाइन का पता नहीं होगा। अब नीलोखेड़ी वाले करनाल की लाइन में क्या पता लगेगा? करनाल जो कर्मचारी वहां काम करें उन्हें पता है कि एक हमारा रिंग सिस्टम है, बिजली चारों तरफ से घूम के आती है। अब ये नहीं पता लगता, ये आदमी कर्मचारी नया आएगा उसे पता नहीं ये बिजली कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, उसे नहीं पता लगेगा, वहाँ एक्सीडेंट की रेशो बढ़ेगी। और जहाँ एक्सीडेंट की रेशो बढ़ेगी वहाँ कर्मचारी का नुकसान होगा, फेटल भी हो गए, जलेंगे भी और मरने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए हम सरकार से पुनः अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो इस पॉलिसी को रद्द करे और एज इट इज जैसे कर्मचारी काम चल रहा है वैसे ही काम चलाए। हम आपके माध्यम से और गेट मीटिंग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि सरकार इस बेकार के फैसले को, इस जबरदस्ती थोपी गई पॉलिसी को रद्द करें। जय वर्कर, जय यूनियन, जय भारत। पीछे हमारी केंद्रीय परिषद के आह्वान पर 2 दिन के लिए 4 तारीख और 5 तारीख गेट मीटिंग रोष प्रदर्शन सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट के खिलाफ, जो कि सरकार हर रोज नए नए कानून कर्मचारियों पर लागू कर रही है। अब जो सरकार ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है उसके बारे में हमारे सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बिजली बोर्ड का महकमा है वो सभी दूसरे महकमों से हटकर होता है, हमारा बिजली का काम होता है। क्योंकि हमारा जब देश का सैनिक जब बॉर्डर पर कार्य कर रहा होता है उसको ये पता होता है कि भी आज पाकिस्तान या चाइना की तरफ से हमारे ऊपर गोली आएगी, लेकिन जब हमारा बिजली का कर्मचारी पूरी गर्मी के अंदर हो, चाहे किसी भी प्रकार के बरसात का मौसम हो, किसी प्रकार का मौसम हो, खंभे पर चढ़कर कार्य कर रहा होता है, उसे ये नहीं पता होता कि बिजली किधर से आएगी। इसलिए जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके विरोध में आज केंद्रीय परिषद के आह्वान पर 2 दिन के लिए गेट मीटिंग रोष प्रदर्शन का विरोध कर रहे हैं सभी कर्मचारी मिलकर। सभी उनको सत्र पर किया जा रहा है ताकि सरकार आने वाले समय में इस जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का रोके और हमारा जो एक खतरनाक महकमा है, इस खतरनाक महकमे के अंदर हमारा एक लाइनमैन होता है, हमारा एक जेई होता है, उसको ये पता होता है ये लाइन यहां से चलती है और यहां ये कार्य कर रही है और यहां पर इसकी क्रॉसिंग है। इस प्रकार से आने वाले समय में अगर ये बदलियां होंगी तो किसी पर जान माल का नुकसान होगा और जिससे मतलब दुर्घटनाएं बढ़ेंगी। इसलिए हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि समय रहते हुए जो ये ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है उसका विरोध कर रहे हैं और उसको रोका जाए, तुरंत प्रभाव से रोका जाए, नहीं तो आने वाले समय में इसके गंभीर नतीजे निकलेंगे और कर्मचारी किसी भी हद तक किसी भी जो भी सेंट्रल काउंसिल का आदेश आएगा उस पर अपना
चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो हड़ताल हो, उस पर मतलब अपना कार्य करने के लिए मजबूर होगा। क्या नाम है आपका? राजकुमार चौधरी, सिटी रूट प्रधान करना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.